आईपीएल 2022 का 43rd मैच जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच। आपको इस वे इन दो टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और सबसे खास बात आपको इस वीडियो में पर्सनल प्रेडिक्शन बताया जाएगा इन दो टीमों कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, देख लेते हैं आपको इस मैच के बारे में कोई और दूसरी वीडियो जो जरूर नहीं पड़ी तो वीडियो को जरूर उससे पहले अभी तक लाइक कर चलो सब्सक्राइब जो कर ले। और हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताया मोहित भाई के बारे में, आप भी टॉस और मैच प्रेडिक्शन चाहिए आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सबसे जाने इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, इन दो टीमों के बीच जो है अभी तक जो एक भी मुकाबला नहीं खेला गया आईपीएल 2022 में, क्योंकि गुजरात टाइटंस की टीम जो है आईपीएल 2022 की नई टीम है, वही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जो आईपीएल 2022 की बहुत पुरानी टीम है, ये सब सब लोग पता ही होगा। वही बात गुजरात टाइटन्स की, गुजरात टाइटन्स में लास्ट मैच जो है सनराइजर हैदराबाद के साथ जिस मैच में हुआ गया था, सनराइजर हैदराबाद की टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो है 195 रन बना दी और केवल अपने 6 विकेट ही खोए। जब गुजरात टाइटन्स की टीम जब पीछा करने उतरी तो किसी को नहीं लगा गुजरात टाइटन्स की टीम जो इस मैच को जीत पाएगी, क्योंकि गुजरात टाइटन्स ने विकेट बहुत जल्दी खो दिए। ठीक है रन रेट भी बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, बट गुजरात टाइटन्स टीम जो है 20 ओवर में जो 199 रन बना दिए, मैच जो लास्ट ओवर तक गया था। ठीक है और गुजरात टाइटन्स जो परिणाम से इस मैच को जो है 5 विकेटों से सनराइजर हैदराबाद से जीत गई। वही बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है लास्ट मैच जो किससे राजस्थान रॉयल्स के साथ खेल जिस मैच में होगा, राजस्थान रॉयल्स की टीम जो पहले बैटिंग करते 20 ओवर में जो है केवल 144 रन ही बना पाई और अपने 8 विकेट जो है खो दिए। जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम जब इस छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो रॉयल चैलेंजर्स की टीम जो 19 ओवर 3 गेंदे खेली 115 रन ही बना पाई और सारे विकेट जो है खो दिए। ठीक है परिणाम से राजस्थान रॉयल्स की टीम जो इस मैच को 29 रनों से जीत गई। आपको पता लगी हुई लास्ट मैच जो गुजरात टाइटन्स की टीम 195 रन का टारगेट का पीछा करते हुए जीत गई, वही राजस्थान रॉयल्स की टीम से जो है रॉयल चैलेंजर्स की टीम जो केवल 144 रन का पीछा जो है नहीं कर पाई, रॉयल चैलेंजर्स की टीम हार गई राजस्थान रॉयल्स से। दो टीमों के हेड टू रिकॉर्ड्स की बात करें, गुजरात टाइटन्स की टीम में जो बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, बट आप एक बात ध्यान है किसी मैच जिले केवल हेड टू रिकॉर्ड ही मायने नहीं रखते और बहुत सारे रिकॉर्ड होते जो मायने रखते हैं, और इस मैच में कुछ अलग भी होना है, क्या अलग होना है मैं आपको पूरा बताऊंगा, बस आप जरूर से देखें। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के जो है पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच की बात करें जो मैच बैबोन स्टेडियम मुंबई में जो है खेला जाएगा, अगर इस स्टेडियम की पिच की बात करें, पिच का जो फर्स्ट इनिंग एवरेज को 170 रन का है और सेकंड इनिंग एवरेज को 165 रन का है। वही बात करें इस पिच पर खेलेगा लास्ट के 20 मैचों की, तो 50% मैच जो पहले बैटिंग करने टीम जो 50% मैच जो चेस करने टीम जो मामला जो यहाँ पे 50-50 का होता है, कोई भी टीम पहले बैटिंग करे या तो कोई भी टीम जो चेस करे। ठीक है वही बात इस पिच पर खेलेगा लास्ट के मैच, तो लास्ट मैच इस पिच खेला तो खेला था 23 अप्रैल 2022 को जिस मैच में हुआ गया था रॉयल चैलेंजर्स और सनराइजर हैदराबाद की जो मैच हुआ था जिसमें हुआ गया था रॉयल चैलेंजर्स की टीम जो पहले बैटिंग करते हुए 16 ओवर 1 गेंद खेली 68 रन केवल बना पाई। ठीक है 168 रन ही केवल 68 रन केवल बना पाई और सनराइजर हैदराबाद की टीम जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो सनराइजर हैदराबाद टीम जो है 8 ओवर में ही जो है इस लक्ष्य को पूरा कर ली, 72 रन बना दी और केवल अपने 8 विकेट ही खोए। ठीक है परिणाम से सनराइजर हैदराबाद की टीम इस मैच को 9 विकेटों से जीत गए। लास्ट मैच जिस पिच पर हुआ था वो कौन 9 विकेटों से जो है कौन सनराइजर हैदराबाद की टीम जो जीत कर आ रही है। आपको एक और बताओ इस पिच पर जो भी टीम जो टॉस को जो चेस करने का फायदा, क्योंकि इस पिच चेस करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है चेस करने वाली टीम जो इस पिच पर थोड़ा ज्यादा जीतती है आईपीएल 2022 की अगर बात करें तो। चलिए बात कर लेते दोनों टीमों की प्लेइंग के बारे में जिसका आप सबको बेसब्री से कैसी हो इस मैच में जो है गुजरात टाइटन्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्ले। सबसे पहले बात करें गुजरात टाइटन्स के पॉसिबल प्लेइंग के बारे में, गुजरात टाइटन्स की पॉसिबल प्लेइंग की बात करें तो गुजरात टाइटन्स की ओर से ओपनिंग करते हुए दिखाई दे रिद्धिमान शाह, सुमन गिल थर्ड नंबर खेलते हुए दिखाई दे, हार्दिक पांड्या फोर्थ नंबर पर, अभिषेक मनोहर वही 5th नंबर पे, डेविड मिलर 6th नंबर पे, राहुल देवतिया वही 7th नंबर पे, राशिद खान 8th नंबर पर, अलजारी जोसेफ वही 9th नंबर पे, लॉकी फर्गुसन 10th नंबर पे, यश दयाल वही 11th नंबर पे, मोहम्मद शमी। तो ऐसे उस मैच में गुजरात टाइटन्स की प्लेइंग 11 में बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 की, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं फैफ दुप्लीसी और विराट कोहली, थर्ड नंबर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं ग्लैन मैक्सवेल, 4th नंबर पर महिपाल लैमरोर, 5th नंबर पर राजपाल रजत पाटीदार वही 6th नंबर पर शहबाज अहमद वही 7th नंबर पर दिनेश कार्तिक, 8th नंबर पर वनिंदु हसरंगा, 9th नंबर पर हर्षल पटेल, 10th नंबर पर जॉर्ज सदरवुड, 11th नंबर पर मोहम्मद सिराज। तो ऐसी हुई मैच में गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 बता दूँ पॉसिबल प्लेइंग 11 में। ठीक है अगर इस प्लेइंग में कुछ ही बदला होता है ना तो इसका पता जो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल चल जाएगा मैच सुनो इस पर, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जरूर से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली जाकर लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बारे में। मेरे पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्या फायदे मिलते हैं आपको, बिल्कुल फ्री में जो है टॉस मैच का
परीक्षा मिल जाता है, ठीक है। फाइनल अपडेट भी कुछ होता है या कोई बड़ी खबर आती है, सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पता चल जाता है, ठीक है। सभी कुछ आप अपडेटेड रहते हो, जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, स्टॉप पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लिंक पर ही क्लिक करना, ठीक है, बाकी कुछ मत करना, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल मैच परीक्षण के बारे में। बात करें पर्सनल मैच परीक्षण की, तो दोनों टीम रिकॉर्ड स्टैट्स को देखने के बाद यहां तक मुझे लगता है इस मैच में कौन गुजरात टाइटंस टीम इस मैच को जीतते दिखाई दे सकते। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी आपको बता दूं ये मेरा मैच का फाइनल अपडेट जो नहीं, मैच का फाइनल अपडेट जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, मैच से पहले मिल जाए, टेंशन मत लेना, ठीक है। सिंपली जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए, ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको मैच का प्रेडिक्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाने से पहले भी लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर लो, हाँ टेलीग्राम चैनल जरूर से जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। मिलते हैं आपसे, बाय।